नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर पंजाब से है, जहां राज्य में पंचायती चुनावों को लेकर खून खराबे का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला बटाला के नज़दीकी कस्बा अलीवाल में देखने को मिला। यहां गांव चट्ठा में पंचायती चुनाव को लेकर एक नौजवान को मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैरी चड्ढा ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल बटाला में लाया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। मेरा पिंड भाई गुरजिंदर सिंह है, पिंड मेरा चट्ठा। मेरे डैडी कांग्रसी, पुराने 20 सालों तो पुराने कांग्रसी है। कल बंदे हूँ दूजे बने छड के इधर आ गए। हैरी गैंग स्टार जड़ा पहला उहदा प्यो खलोण डिया सी, हुण उहदी माता मैंबर खलो गई है। उन्हें पवित्र सिंह नूं खिला रहा वा। पवित्र सिंह मैनूं वेख के गया वा, हैरी दा डैडी वेख के गया, नाल मिंदा सरपंच ही पुराणा, ते नाल हैरी दा डैडी नारणजीत सिंह जी। मैनूं उदों शक पै गया, मैं ना मैनूं साडी गड्डी वेख ली आ, ते मेरे नाल हरविंदर सिंह जी, साडे पिंड दा मुंडा, मेरे ताए दा मुंडा हरविंदर सिंह जी नाल। तो मैं मगरों निकल लगा वा, इन्हें हाड़ी ने दाड़ी दुड़ी रखी ही। ये पिछों ना कहिंदा की हाल आ, पिछों पिस्टल कढ़न लगा, लागे तमियां दा रोड़ा पिया ही। मैनू मैं वेख लिया इहदे ना इत्थे पिस्तौल वगैया वा, सारे लोगों पता वा पिस्तौल वगैया इहदे हाथ ते। मैं ना वो चीज़ वेखी, मैं रोड़ा मारदा, मैं भज गया। तो मैनू ऐ लगा मेरे मोढ़े ते गोली वज्जी है, बाद च हुण पता लगा मेरे इत्थे वज्जी है पैरां च, चार फैर कड्डे मेरे मगर। यह नहीं पता भाजी, ये स्कूटरियाँ उत्थे जरा उत्थे ना कैमरे कुमरे च पता लगू की लगा सानू की पता भाजी की होंगे। गांव चट्ठा में पंचायती चुनाव कांग्रेस की तरफ से सरपंच के तौर पर खड़े उम्मीदवार गुरजिंदर सिंह को गांव चड्ढा के ही रहने वाले मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैरी चड्ढा ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। इलाज के लिए सिविल अस्पताल बटाला में लाए गए जख्मी गुरजिंदर ने बताया कि उसके पिता सुखवंत सिंह पंचायती चुनाव में बतौर सरपंच कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे, और दूसरी तरफ गैंगस्टर हैरी चड्ढा की माँ सुखजिंदर कौर भी पंचायती चुनाव बतौर पंच खड़ी थी। इस पंचायती चुनाव को लेकर हैरी चड्ढा के परिवार वाले गुरजिंदर और उसके परिवार को चुनाव से पीछे हटने के लिए धमकियां दे रहे थे, और घटना के मौके पीड़ित गुरजिंदर अलीवाल में एक ढाबे पर बैठा था, तो तभी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैरी चड्ढा आया और उसने गुरजिंदर पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली गुरजिंदर के पाँव में लग गई और हैरी चड्ढा मौके से फरार हो गया। ये इंसीडेंट तो होया, गोली तो लगी लगती है, पर अजे बाकी वेरीफाई करते हैं। दस रहा पर वेरीफाई कर रहे हैं, अजय हूँ ही मैं आया इतने हॉस्पिटल इन्हें दसिया, पर बाकी अजे वेरीफाई करने तो बाद पता लगेगा। ये सरपंच दी इलेक्शन लड़ता पाया, हैरी का फादर नहीं खड़ा, नहीं हैरी का फादर ने भरा ही नहीं। नहीं पर इन्हें पहले कोई इन्फॉर्म नहीं किया, नहीं किया, वेरीफाई करा। आपको बता दें कि राज्य में पंचायती चुनाव को लेकर खून खराबे का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला बटाला के नज़दीकी कस्बा अलीवाल में देखने को मिला। यहां गांव चड्ढा में पंचायती चुनाव को लेकर एक नौजवान को मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैरी चड्ढा ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल बटाला में लाया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच शुरू कर, वहीं सिविल अस्पताल में जख्मी से तफ्तीश करने पहुंचे बटाला के एसएसपी उपजिंदर जीत सिंह ने बताया कि गोली चली है, जिसमें गुरजिंदर सिंह जख्मी हुआ है, और बाकी इसके बयानों के आधार पर तफ्तीश की जा रही है और केस दर्ज कर तफ्तीश में जो भी सामने आएगा उसी हिसाब से आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए बटाला से जितेंद्र कुंडल की खास रिपोर्ट।